दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवनी संजीवनी पर। दोस्तों इससे पहले कि हम आपको कहानी में ले चले, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आपके सब्सक्राइब एवं लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए सुनाते हैं आपको एक कहानी, हाथी और उसके दोस्त। सीमापुर गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था। उस गांव में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल में एक अकेला हाथी रहता था, जिसके साथ कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। वह अकेला हाथी दोस्तों की तलाश में जंगल में भटकता रहता था। एक बार हाथी को कुछ खरगोश मिले। भाई क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? हाथी ने उनसे अनुरोध किया। आप मेरे घर के अंदर फिट होने के लिए बहुत बड़े हैं, तुम मेरे मित्र नहीं बन सकते, खरगोश ने उत्तर दिया। कुछ देर बाद हाथी को कुछ बंदर दिख गए। जब हाथी ने उनसे दोस्ती करने को पूछा, तब उन बंदरों ने जवाब दिया, आप बहुत बड़े हैं और पेड़ों पर झूल नहीं सकते हैं जैसा कि मैं करता हूँ, इसलिए हम आपके दोस्त नहीं बन सकते। फिर हाथी को एक मेंढक मिला और पूछा कि क्या वह उसका दोस्त हो सकता है? आप बहुत बड़े हैं और भारी हैं, तुम मेरी तरह नहीं कूद सकते, मुझे क्षमा करें, लेकिन आप मेरे मित्र नहीं हो सकते, मेंढक ने उत्तर दिया। हाथी निराश होके आगे चला गया। वहां उसकी कुछ लोमड़ियों से मुलाकात हो गई और उसे वहां भी एक ही जवाब मिला कि वह बहुत बड़ा है। अगले दिन हाथी ने देखा कि जंगल के सभी जानवर डर के मारे भाग रहे थे। हाथी ने एक हिरण को रोका और पूछा कि क्या हो रहा है, और उसने बताया कि एक बाघ सभी जानवरों पर हमला कर रहा है। हाथी अन्य कमजोर जानवरों को बाघ से बचाना चाहता था। वह जल्दी से बाघ के पास गया और बोला, प्लीज सर, मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो, इन्हें ना खाओ, हम इस जंगल में मिलजुल कर रहते हैं। बाघ ने उसकी बात नहीं सुनी और हाथी को अपने रास्ते से जाने को कहा। बाघ सुनने को राजी नहीं था और हाथी को कोई अन्य तरीका भी नहीं दिख रहा था। हाथी ने बाघ को जोर से लात दी और बाघ डर के मारे वहां से भाग निकला। हाथी ने कैसे अपने बहादुरी से बाघ को भगाया, ये देखकर सभी जानवर एकजुट हो गए। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जहां किसी का कोई ना कोई प्रयोग अवश्य होता है, हमेशा बड़े से बड़े, छोटे से छोटे सब मिलकर एक दूसरे से रहें। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।